ओ भाई साहब क्या कमाल का बस है यार। तो देख लो भाई, इसी बस से हम लोग जाने वाले हैं अंबारी उत्सव KSRTC हैदराबाद टू बेंगलुरु। गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। वैसे टाइटल एंड थंबनेल देखकर आइडिया लग गया होगा ये जो मेरा वीडियो है कौन सा टॉपिक पे होने वाला है। और इस पे मेरे को वीडियो तो भाई बहुत पहले से करना था। जब ये वाले बस का इनॉग्रल रन हुआ था ना तब मैं इंडोनेशिया में था तो कवर नहीं कर पाया था। हाँ जी, तो मैं जर्नी करने वाला हूँ KSRTC के अंबारी उत्सव AC स्लीपर क्लास बस में। वैसे तो मैंने AC स्लीपर क्लास का बहुत सारे बस को कवर किया है लेकिन ये जो बस है ना थोड़ा डिफरेंट है। ये अंबारी उत्सव बस है और इसका टिकट मैंने कहाँ से बुक किया मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। मैंने अपना जो टिकट है उसको बुक किया हैदराबाद से बैंगलोर तक के लिए जिसमें मैं टोटल कवर करने वाला हूँ 500 से 550 किलोमीटर। यहाँ मेरा रात का 9:45 का बस है। बेंगलुरु पहुंचते पहुंचते वही सुबह का 8:30 बजे जाएगा। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को इस बस का इंटीरियर दिखाने के लिए। इस टाइप का इंटीरियर है, क्या है, सब कुछ मैं दिखाऊंगा, सारा डिटेल दूंगा। और सबसे मेन है ये टिकट आप हर जगह से बुक नहीं कर सकते, इसको आपको बुक करना पड़ेगा KSRTC के वेबसाइट से ही बुक करना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। बाकी ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं वीडियो को लाइक कर दो अगर इस टाइप का मेरा वीडियो पसंद आता है तो, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो क्योंकि वहां मैं लाइव अपडेट सब देते रहता हूं। और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। तो अभी तो मैं अपने होटल में ही हूं ताज कृष्णा में, इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है तो जाके देख लेना अगर अभी भी आपने नहीं देखा है तो। चेकआउट मेरा ऑलरेडी हो चुका है लेकिन वेट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी कितना हो रहा है, अभी देख लो 6:30 बज रहा है, लगभग 9:45 का हमारा बस है, 7:30 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। तो एक काम करते हैं एक ही बार ये वीडियो को बाहर निकल के कंटिन्यू करते हैं। हैदराबाद में मैं पिछले 3 दिनों से हूँ और आज जाकर देख लो ये मेरे को चाहिए था, ये मदीना का मैंने ऊद लिया है, इस पर ऑलरेडी ये सब पे वीडियो है। और ये अपना फेमस रेल नीर, इसको अपने साथ हमेशा रखता हूँ मैं। ये सब क्या है, ये सब दिखावा है, असली काम यही करता है। बाकी वेट कर रहे हैं अभी लगेज अपना, वो देख लो लगेज अपना रखा हुआ है तो अभी वही थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं, बाकी वेट करते हैं जैसे ही टाइम होगा निकल जाएंगे। हाँ जी, मैं बैठा हुआ था ना तो मेरे को अभी KSRTC की तरफ से एक मैसेज भी आया हुआ है, रिमाइंडर अलर्ट PNR नंबर के साथ सीट नंबर के साथ। अपना जो बोर्डिंग पॉइंट है ना वो हैदराबाद MGBS है। फाइनली अपना कैब आ गया देख लो। चलो भाई अभी हम लोगों ने ले लिया है टैक्सी, जा रहे हैं अभी यहाँ से बस स्टैंड MGBS बस स्टैंड, महात्मा गांधी बस स्टैंड है यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर होगा। हाँ जी, तो अभी देख लो मैं पहुंच चुका हूँ बस स्टैंड और ये यहाँ का बस स्टैंड है देख लो भाई साहब, कोई स्टेशन से कम नहीं लग रहा है। वहाँ पे पैराडाइज बिरयानी वगैरह सब कुछ दिख रहा है। अभी अपने बस में बहुत टाइम है और यहाँ पे वैसे देख लो रिजर्वेशन काउंटर भी बना हुआ है, अगर आपने अभी तक रिजर्वेशन नहीं करवाया तो यहाँ से भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बस स्टैंड मैंने कभी नहीं देखा, स्टेशन से भी बहुत बढ़िया लग रहा है यार। आई चूज TSRTC सेंट्रल रिजर्वेशन काउंटर, डायरेक्टली मेट्रो भी आता है, आप चाहे तो मेट्रो से भी आ सकते हो आराम से। तो यहाँ पे देख लो साफ सफाई भी चल रहा है और यहाँ पे बस के लिए ना प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो मेरा जो बस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आएगा। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है, ऐसा भी बस स्टैंड होता है मेरे को आइडिया नहीं है, वो भी गवर्नमेंट का बस है। तो देख लो भाई यहाँ पे पैराडाइज का टेकवे बेकरी एंड टी, मतलब टेकवे काउंटर भी है, डाइन इन भी कर सकते हो आप, बैग वगैरह कैब वगैरह स्लीपर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, लॉक रूम भी है अगर आपको सामान वगैरह अपना रखना है तो, ATM भी मिल जाएगा। भाई ये बस स्टैंड एकदम यूनिक सा बस स्टैंड है, मजा आ गया ये बस स्टैंड देख के। और भी अगर इंडिया में अगर ऐसा बस स्टैंड सब है तो कमेंट करके बताओ, मजा आ गया ऐसा बस स्टैंड देख के। वैसे टॉयलेट वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, पूरा फूड कोर्ट बना रखा है इन्होंने। जाते हैं आगे, आगे भी बहुत कुछ है दिखाते हैं आपको। और जितने भी कंडक्टर और ड्राइवर है ना उनका बाकायदा यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं कि विदाउट यूनिफॉर्म, सभी का यूनिफॉर्म है। कहने का मतलब ना हर कुछ एकदम ऑर्गेनाइज है, मतलब ड्राइवर कंडक्टर सभी का यूनिफॉर्म है। वैसे यहाँ से अगर आपको लाइक पार्सल वगैरह कुरियर वगैरह कराना है तो एक काउंटर अलग से बना हुआ है, डायरेक्टली आप देख लो सब सामान लेकर खड़े हैं कुरियर हो जाएगा। यहाँ पे कुरियर का रेट भी लिखा हुआ है, सपोज करो आपको अगर 200-250 किलोमीटर दूर 4 से 5 किलो का सामान भेजना है तो 50 रुपए चार्जेस आएगा उसका। तो अभी हम लोग का बस में अच्छा खासा टाइम है, अभी मतलब टाइम क्या है, लगभग 9:30 बजे हमारा बस आएगा, 45 मिनट है। ये अभी हम लोगों ने चाय ले लिया है पैराडाइज का। और हैदराबाद का एक चीज काफी अच्छा है ना कि चाय के लिए आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, चाय आपको हर जगह अच्छा मिलेगा। ये बिना टेस्ट के मैं बता रहा हूँ चाय बढ़िया होगा। और एक बात है, वैरायटीज चाय मिल जाएगा, वो भी अच्छा चाय, ऐसा नहीं कि जैसा तैसा चाय, बढ़िया चाय। और रेट वही 10-15-14-20-30 इसी रेट में मिलता है, बढ़िया चाय। वैसे यहाँ पे देख लो सभी बस का काउंटर बना हुआ है, जैसे देख लो TSRTC KSRTC MSRTC APSRTC, हर अलग अलग जगह का लाइक बना हुआ है, इंक्वायरी भी है। वे टू प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 40, भाई साहब 40 प्लेटफॉर्म है क्या? मेरा 5 नंबर है तो 5 नंबर में मुझे जाना है। अच्छा देख लो प्योर वेज रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे, नंदनी कैफेटेरिया। अगर आपको होटल रूम वगैरह चाहिए, लॉज वगैरह चाहिए तो शायद ऊपर मिल जाएगा मेरे को लगता है। AC लाउंज भाई साहब, तो यहाँ पे देख लो AC लाउंजेस भी है भाई, ऐसा मैंने बस स्टैंड कभी नहीं देखा, लिटरली मैं बता रहा हूँ कभी नहीं देखा। और वॉशरूम तो भाई हर जगह ही है,
उस साइड भी था और एक इधर भी है। और यहाँ पे देख लो लाइन से प्लेटफॉर्म सब बना हुआ है। तो जाते हैं अपने 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे और ये है MG रोड का मेट्रो। अपनी बस भी खड़ी है लग रहा है देखो। ओ भाई साहब क्या कमाल का बस है यार। तो देख लो भाई इसी बस से हम लोग जाने वाले हैं अंबारी उत्सव KSRTC हैदराबाद टू बेंगलुरु। ये है ये 945। अच्छा अच्छा तो देख लो जी यही अपना बस है 945 वाला। भाई कुछ भी बोलो बस का बाहर से लुक तो एक नंबर है, अंदर से भी इसका इंटीरियर दिखाऊंगा मैं, कमाल का है। देख लो पहले तो मैं आपको ये बस स्टैंड दिखा देता हूँ। ये अपना प्लेटफॉर्म है 5 नंबर, लेकिन आया अपना बस 6 नंबर पे है। ये सारा देख लो लाइक यहाँ पे स्टॉल है जैसे स्टेशन में होता है ना, बहुत मस्त लगा ये बस स्टैंड मेरे को। बस की बात मैं बाद में करूंगा। चलो अपना बस का लाइट सब ऑन हो गया, जाते हैं अंदर दिखाते हैं आपको अंदर का इंटीरियर कैसा है इसका। अपना सीट है 7 और 8 नंबर। सबसे पहले हम लोग को अपना लगेज रखना है यहाँ पे, अभी जाएगा अपना लगेज अंदर। चलो जी जाते हैं अंदर दिखाते हैं अंदर का इंटीरियर। तो अपना जो सीट है वो सीट नंबर 7 और 8 है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। देख लो तो देख लो जी अपना बस का अंदर से कुछ ऐसा इंटीरियर है। भाई साहब ये तो लग रहा है मैं चलता फिरता कैप्सूल होटल में हूँ। मुझे याद है मैंने एक मुंबई में क्या पोर्ट होटल होता है ना वो कवर किया था, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और लाइट्स देखो भाई मतलब क्या ही खूबसूरत। ऊपर से एक लाइट ऑन नहीं है सर, ये खराब हो गया क्या? दोनों भी है। अच्छा एक सुधरान किया एक सुधरान। अच्छा 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 तो ये जब अच्छा तो ये जब बस बस चलेगा तब शायद हो सकता है ऑन कर दे, वहाँ से ऑफ है अभी। जैसे देख लो AC भी अभी काम नहीं कर रहा है, तो जब बस चलेगा ना तो 5 मिनट पहले काम करता है। ओके ओके इनको परमिशन नहीं रहेगा ना, डीजल कम हो जाएगा। हाँ डीजल कम हो जाएगा, पेनाल्टी लग जाएगा। ओके ओके और पीछे में देख लो एकदम कार के सीट के तरह वो दिया हुआ है कुशन। बाकी देख लो यहाँ पे AC वेंट एक इधर मिलता है एक इधर मिलता है। एक्चुअली मैंने 2 सीट बुक किया, एक मैं हूँ और एक मैडम तो है ही। प्राइवेसी के लिए देख लो बीच में ये भी है, मैंने इसको साइड कर दिया है। अभी जैसे आप दो लोग ट्रैवल कर रहे हो, झगड़ा हो गया दोनों में, जा अपना काम करो। अगर आप दूसरे पैसेंजर के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो तो ये काम आ जाएगा। बाकी ये एकदम जैसे नया कार का सीट सब होता है ना प्लास्टिक, और उसके साथ ये भी देख लो नीचे में बिछाने के लिए भी एक अलग से मिला हुआ है और एक ब्लैंकेट भी है ओढ़ने के लिए भी। ये बहुत अच्छा लगा, लग तो रहा है बस जर्नी एकदम कंफर्टेबल होने वाला है। बाकी देख लो AC वेंट ऊपर है, एक तो आपको इधर मिलेगा एक एकदम पैर के सामने, अंदर का माहौल एकदम चिल रहेगा। और बाकी यहाँ पे देख लो मोबाइल स्टैंड है और यहाँ पे मस्त एकदम वॉल्वो का लोगो। ये देख लो यहाँ पे USB भी मिलता है, तो हम मस्त अपना फोन वगैरह चार्ज करते हुए जाओ, गेम खेलते हुए वीडियोस देखते हुए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये कुशन तो काफी अच्छा लग रहा है, और ऐसा एक अलग से पिलो नहीं मिला है लेकिन हाँ सीट में ही इस वाले जगह पे एक कुशन अच्छा खासा है, तो ये पिलो का काम आएगा। ओवरऑल बहुत बढ़िया लग रहा है। वैसे एक बात तो है लाइट तो पूरा एकदम व्लॉगिंग वाला लाइट है, मस्त अंदर लाइट का कोई कमी नहीं है भाई, ये चीज काफी अच्छा लगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि टिकट फेयर कितने का पड़ा। तो मैं बता दूं मैंने हैदराबाद से बैंगलोर के लिए 2 टिकट बुक किया है, इस KSRTC के अंबारी 100 AC स्लीपर क्लास में 2 टिकट बुक किया है, जिसका टोटल पड़ा 3,394 रुपीज लगा है। वही समझ लो पर पर्सन 1700 रुपए करके लगा है। वैसे अगर मैं हैदराबाद से बैंगलोर तक का टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो हम इस बस से कवर करने वाले हैं 5, 6, 7 किलोमीटर। वैसे देख लो हैदराबाद से बैंगलोर जाने के लिए एक रूट हो गया कुरनूल वाला और दूसरा हो गया रायचूर वाला, लेकिन दोनों ही रूट जाके अनंतपुर में मिल जाता है। तो फिलहाल यही सब रोड हम लोग कवर करने वाले हैं। देख लो टोटल तो दिखा रहा है 9.5 घंटे लगेगा हमें। अभी कितना हो रहा है 9:30 बज रहा है, 9:45 का टाइम है एग्जैक्ट टाइम। गूगल मैप के हिसाब से हमें सुबह 7 बजे तक पहुंच जाना चाहिए बैंगलोर, पता नहीं देखो कितना टाइम लगाता है। जैसा होगा तो मैं आपको अपडेट देते ही रहूंगा। वैसे देख लो सामने में अगर आपका छोटा बैग वगैरह है तो आप आराम से वहां पे स्पेस बना हुआ है रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पास में कोई दूसरा पैसेंजर है, अगर आपका कोई जान पहचान वाला पैसेंजर नहीं है तो बीच में कर्टन्स है तो वो आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलूंगा कर्टन्स अच्छा है, दोस्ती कर लो, बातचीत करते हुए चले जाना। एक कर्टन्स तो विंडो के सामने भी है। अभी देख लो बस ऑन हो गया, अब एकदम मस्त कूलिंग कर रहा है ये। अभी मेरे दोनों ही फोन में चार्ज नहीं है, सबसे पहले अपना USB केबल निकालते हैं, चार्ज करते हैं सारा फोन। चलो जी यहाँ पे USB पोर्ट में अपना USB केबल डाल दिया है मैंने और यहाँ हो रहा है मेरा फोन चार्ज। बाकी बस और 5 मिनट में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, देखते हैं ये करेक्ट टाइम में यहाँ से निकलता है कि नहीं। ऑलराइट तो अभी टाइम देख लो 9:46 हो रहा है। अभी देख लो धीरे धीरे हमारा बस निकल रहा है, 1 मिनट लेट, ठीक है चलेगा कोई बात नहीं है। जय माता दी। लो जी बस अपना निकल चुका है महात्मा गांधी बस स्टॉप से, रुक रुक के निकल रहा है, आगे अभी रास्ता क्लियर नहीं होगा इसलिए। बाकी मस्त है यार बस अंदर एकदम साइलेंट है, मैं इतना धीरे भी बात कर रहा हूँ ना मेरे को लग रहा है मैं जोर से बात कर रहा हूँ। बाकी चलो लाइट्स वगैरह ऑफ करते हैं तभी मैं बाहर का नजारा दिखा पाऊंगा आपको। तो देख लो जी ये मस्त अपना बिस्तर लगा लिया है मैंने, ये तो ये प्लास्टिक था ना ये अजीब सा लग रहा था, तो ऐसा मिलता है आपको एक बेडशीट जैसा, तो आप इसको बिछा लो। और ऐसा एक ब्लैंकेट भी है,
बाकी अपना सारा डिवाइस मैंने चार्ज लगा दिया है, बाकी ये देख लो केविन व्यू। तो लो जी अपना बस निकल चुका है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा सिटी से निकलने में, लेकिन जैसे ही भाई हाईवे पे आएगा फिर तो नज़ारे अलग होंगे, स्पीड अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। अभी तो बस ऐसे ही चले जा रहा है, अगर कुछ अच्छा नज़ारा दिखता है तो आपको दिखाता हूँ। वैसे तो रात में क्या ही नज़ारा दिखेगा, फिर भी जैसे भी होगा मैं अपडेट देते रहूंगा बीच बीच में आपको, जिस भी रूट से हम लोग जाएंगे तो बीच बीच में मैं ऐसा अपडेट देते रहूंगा आपको, और कितने बजे ये ढाबा पे रुकता है, कौन सा ढाबा पे रुकता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखो, बाकी अभी बस चल रहा है, सिटी से निकलते हैं, जब हाईवे से ये कनेक्ट होगा ना तब दिखाएंगे। तो अभी देख लो जी, अभी हम लोग श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे से कनेक्ट हो गए हैं। बाहर वैसे काफ़ी डार्क है इसलिए मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ, और वैसे अपना बस चल रहा है देख लो अभी लगभग 60-61 की स्पीड में, और तब से मैं देख रहा हूँ यही स्पीड ये मेंटेन कर रहा है। देखते हैं रात तक ये हाईएस्ट कितने स्पीड तक जाता है। अभी तो बैक टू बैक बसेस सब जा रही हैं। इसमें एक और बात है कि आपको कोई भी वाटर बॉटल ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, तो हाँ अगर आप इस बस में बोट कर रहे हो तो खुद का एक पानी का बोतल लेकर आना। मैं यही सोचकर पानी लिया नहीं, लेकिन अंदर आकर पता चला कि कोई भी पानी का बोतल नहीं मिलेगा। चलो जी अभी हमारा जो बस है वो यहाँ पे रुका है, उद्यपी प्योर वेज रेस्टोरेंट में, ये अपना बस। हाँ जी, तो देख लो अभी हम लोग चिल्का मारी बोलकर कोई जगह है वहाँ पे है, यहाँ बस अपना 15 मिनट के लिए रुकेगा, उद्यपी प्योर वेज में रुका है बस। वैसे हमारा चला था 9:45 में, और अभी टाइम कितना हो रहा है देख लो, 11:15 हो रहा है, लगभग 2 घंटा चला है, और ये अपना पहला स्टॉप है। जाते हैं अंदर देखते हैं कुछ लेते हैं, मेरे को पानी का बोतल लेना है। यहाँ पे अपना जो बस है बस 15 मिनट के लिए रुकेगा, बाकी जाते हैं अंदर देखते हैं क्या सीन है। वैसे अभी देख लो 11:20 हो रहा है, ये अपना बस है देख लो KSRTC का। वैसे तो यहाँ पे मस्त मसाला डोसा इडली वगैरह सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हाँ मैंने ये ले लिया, पॉपकॉर्न लिया, एक पानी का बोतल मुझे चाहिए था ये ले लिया, और कुछ वैसा खाने का मन नहीं कर रहा है। बाकी जाते हैं देखकर आ जाते हैं। मैं अपने लिए पानी लिया हूँ, मैडम खाएगी ये पॉपकॉर्न। ये बस है ना यहाँ पे 11:10 तक आ गया था, 15 मिनट का हॉल्ट उन्होंने बोला है, बट मेरे को ऐसा लगता है कम से कम आधा घंटा से ज्यादा ये रुकेगा बस यहाँ पे, जब तक ड्राइवर भैया लोग का खाना नहीं होता जो कि अंदर खा रहे हैं तब तक ये बस यहाँ से जा नहीं सकता। तो यहाँ पे मुझे जूस का सेक्शन दिख गया, तो मैं यहाँ से जूस ले रहा हूँ अपने लिए, सफर के लिए जूस बढ़िया है, ज्यादा रिच नहीं खाने को नहीं तो फिर दिक्कत होता है। तो ये हमारे ड्राइवर है, तो इनका चाय पीना हो रहा है, मतलब ये खाना अभी कंप्लीट हुआ है, मतलब अभी भी और 5 मिनट या 10 मिनट है हमारे पास। भाई हमारा ड्राइवर भाई का खाना हो गया है, तो जल्दी कर दो। तो देख लो मैंने ये वाटरमेलन जूस ले लिया है, ये बेस्ट लगा मेरे को, और अभी कुछ ऐसा खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। तो चलो जी अपने ड्राइवर भैया बैठ गए। टाइम कितना हो रहा है, 10:30 हो रहा है, अभी भी 5 मिनट लगेगा। देखो 11:10 में अपना बस यहाँ पहुंचा था डिनर ब्रेक के लिए, 15 मिनट का ब्रेक था यहाँ पे, और अभी 11:36 में अब ये यहाँ से निकल रहा है। देखो अब इसके बाद बता रहे थे भैया लगभग सुबह 3:30 बजे रुकेगा ये, पता नहीं उस समय जगा रहूंगा कि नहीं, अगर जगा रहा तो जरूर दिखाऊंगा कुछ, क्योंकि देखो अभी रास्ते में इतना रात को कुछ दिखाने को है नहीं। देख लो अभी एग्जैक्ट टाइम देख लो, अपना बस 11:37 हो रहा है, यहाँ से निकला है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कितने बजे होता है, या फिर अगर बीच में कुछ भी रहा दिखाने का तो मैं जरूर दिखाऊंगा। चलो जी बस अभी निकल चुका है वापस से, सारा लाइट्स वगैरह ऑफ हो गया है, बस अब सब सोने जा रहे हैं, तो मैं भी एक काम करता हूँ सोने जाता हूँ। इसके बाद जब भी मेरा नींद खुलेगा, जब भी ऐसा कुछ दिखाने को रहेगा तो जरूर दिखाऊंगा मैं, फिलहाल अभी के लिए गुड नाइट। वैसे अभी टाइम देख लो रात का 1:30 बज रहा है। अपने अगर मैं लोकेशन की बात करूँ ना, हम लोग बस थोड़ी देर में एंटर करने वाले हैं आंध्र प्रदेश, और देख लो बस बैंगलोर तक के लिए 388 किलोमीटर रह गया है, और बाहर तो एकदम ही डार्क है, कुछ दिखाने लायक है ही नहीं। और देख लो बस अभी वही 59, 60, 70 इसी स्पीड में चले जा रहा है, रोड तो मस्त है लेकिन हाँ इसी स्पीड में चल रहा है। अभी टाइम देख लो सुबह का 4:51 हो रहा है, और अभी हम लोग अनंतपुर से बहुत आगे आ गए मरूर में, यहाँ अपना बस रुका है वॉशरूम ब्रेक के लिए, 10-15 मिनट का ब्रेक है। ये हमारा अंबारी उत्सव बस, भाई साहब एक नंबर ये चला रहा है बस, कम्फर्ट तो भाई साहब एक नंबर है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है जर्नी। आफ्टर ऑल तो ये है बिना 9600 वॉल्वो मल्टी एक्सल स्लीपर। वैसे जस्ट पास में यहाँ पे एक टोल गेट भी है, और जो भी बोलो भाई बस का लुक कमाल का लगता है साइड से। अभी मैं साइड से बस को देख रहा हूँ ना, और भी कमाल का लग रहा है ये। एग्जैक्टली 10 मिनट बाद हमारा बस वापस से यहाँ से निकल चुका है, मैंने आपको लोकेशन बताया, हम लोग अनंतपुरा से थोड़ा आगे ही है अभी, और यहाँ से 191 किलोमीटर का जर्नी रह गया है देख लो, जिसमें दिखा रहा है अभी भी लगेंगे लगभग 3 घंटे। फिलहाल अभी भी काफी लोग सो रहे हैं, तो एक काम करते हैं लाइट्स ऑफ करते हैं, कुछ रहेगा दिखाने का तो जरूर दिखाएंगे, अदरवाइज रात में तो क्या ही दिखाएंगे आपको। हाँ जी, तो देख लो अभी सुबह का 6 बज चुका है, और अभी भी हम लोग आंध्र प्रदेश में ही है, बस थोड़ी देर में कर्नाटका एंटर करने वाला है। देख लो वो जो रेड कलर का दिख रहा है ना, वो बॉर्डर है, बस अभी कर जाएंगे एंटर। वैसे बाहर अब मैं थोड़ा बहुत कुछ दिखा सकता हूँ आपको, देख लो अभी भी हाईवे ही चला जा रहा है। वैसे अभी हम लोग एग्जैक्ट कोडिकोंडा में है, और थोड़ी देर में हम लोग बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। मैं आपको बॉर्डर दिखाता हूँ, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका बॉर्डर, ये रहा बॉर्डर। बस अभी हम लोग एंटर हो गए कर्नाटका में, अभी वैसे आने वाला है देख लो कर्नाटका चेक पोस्ट, ये देखो, तो बोल सकते हो यहाँ से कर्नाटका स्टार्ट है। ये देख लो अभी एक टोल भी आ गया,
हाँ जी, तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं कर्नाटका। यहाँ से और 99 किलोमीटर रह गया है अपना जर्नी, जो कि दिखा रहा है हम लोग 1 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। कम्फर्ट सा जर्नी है, कुछ पता ही नहीं चला, सच बता रहा है। नींद भी काफी अच्छा हुआ रात में। और बस 35-40 किलोमीटर रह गया है बेंगलुरु सिटी, बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है, 7:15 हो रहा है। वैसे एक बात मैं बोलूंगा, देख लो मैंने अभी एसी वेंट बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि भाई जबरदस्त कूलिंग कर रहा था ये। वैसे अंदर में ब्लैंकेट मिलता है आपको, फिर भी यार अच्छा खासा कूलिंग कर रहा है। वो पैर के सामने वाला मैंने खोल के रखा है, क्योंकि एक आपके फेस के पास मिलेगा, एक पैर के पास। तो जितने भी लोग बेंगलुरु से देख रहे हो, नम्मा बेंगलुरु। और यहाँ से देख लो बस 27 किलोमीटर का जर्नी रह गया है। वैसे हमारा जो बस है ना अभी NH7 पे है, NH7 30 बेंगलोर रोड पे हमारा बस अभी। वैसे ये जो हाईवे देख रहे हो ना, ये वैसे श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे ही है। वैसे अपना स्टॉप बस आने ही वाला है, केम्पेगौड़ा बस स्टैंड में मुझे उतरना है, जहाँ स्टेशन है। वैसे यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा है, देख लो 7:58, 7:30 तक बताए थे भैया पहुंच जाएंगे, लेकिन 8 बज गया। कोई बात नहीं, चलो चलेगा अपना भी। वैसे भी होटल का जो चेक इन टाइम है वो 1 बजे का है। मेरे को ऐसा लगता है ना, ऊपर से ज्यादा कम्फर्टेबल नीचे वाला सीट है, कहीं भी आपको उतरना है जाना है तो नीचे वाला बेस्ट है। ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो अपना ये जर्नी कंप्लीट होने में लगभग 9:30 घंटे लग गए इस KSRTC के अंबारी 100 बस से। वैसे तो बस नो डाउट बहुत कंफर्टेबल था, मजा आ गया, ड्राइवर भाई काफी मस्त चलाए, तो ज्यादा इन्होंने रश ड्राइविंग नहीं किया, एकदम आराम से लेकर आए। टाइम पे पहुंच गया, देख लो 7:30 बजे आने का टाइम था, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आधे घंटे लेट होता है। बाकी देख लो लगेज हमें मिल चुका है। ये जो है केम्पेगौड़ा बस स्टैंड है, स्टेशन भी पास में ही है, जो बेंगलुरु स्टेशन है ना वो भी एकदम पास में ही है। अभी यहाँ से उबर या ओला बुक करते हैं, क्योंकि मुझे जाना है MG रोड। इतने देर बाद एक कैब तो बुक हुआ है, अभी बोल तो रहे हैं आ जाएंगे। एक्चुअली मैंने लोकेशन ये दिया है, होटल सम्मान। और ये जो है ना, ये केम्पेगौड़ा बस स्टैंड है, बट इसको लोग मेजेस्टिक के नाम से जानते हैं, मतलब लोकल लोग यहाँ पे मेजेस्टिक बोलते हैं। जो हमारे बस के कंडक्टर थे ना, वो भी यही बोल रहा था, मेजेस्टिक मेजेस्टिक, तो मैं कंफ्यूज हो गया। लेकिन हाँ, केम्पेगौड़ा बस स्टैंड को भी मेजेस्टिक बोला जाता है। बाकी कैब अपना आ रहा है, यहाँ से जाएंगे होटल, पता नहीं अभी होटल में चेक इन भी नहीं देंगे, क्योंकि जो होटल मैंने बुक किया है ना MG रोड के पास है, 1 बजे का उनका चेक इन टाइम है, पता नहीं देंगे कि नहीं। फाइनली हमें कैब मिल चुका है। वैसे बेंगलुरु में अच्छा खासा ठंड है अभी, उतना भी नहीं है लेकिन है, थोड़ा बहुत ठंड है अभी। देख लो यहाँ का टेम्परेचर 22, लेयरिंग करने वाला अभी टेम्परेचर है, आराम से हो जाएगा।